किसी कारणवश अगर आपका मूड ऑफ है तो आप इन हॉलीवुड की फिल्मों को देख करके अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। पहली फिल्म है फॉरेस्ट गम। यह फिल्म 1994 में आई थी। यह फिल्म एक साधारण व्यक्ति फॉरेस्ट गम की कहानी है जो जीवन की कई अद्भुत घटनाओं का हिस्सा बनता है। फॉरेस्ट की मासूमियत और उसका जीवन जीने का अंदाज दिल को छू लेने वाला है। फिल्म दिखाती है कि एक साधारण इंसान भी अद्वितीय चीज़ें कर सकता है अगर उसका दिल सही जगह पर हो। उसकी संवाद और कहानी गहरी भावनाओं और प्रेरणा से भरपूर हैं। टॉम हैंक्स का शानदार अभिनय इस फिल्म को और भी खास बना देता है। दूसरी फिल्म है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। यह फिल्म 2014 में आई थी। यह फिल्म अपने विशिष्ट दृश्य शैली और रंगीन किरदारों के लिए जानी जाती है। फिल्म एक होटल की कहानी पर आधारित है जिसमें एक हत्या और चोरी की घटना होती है। कहानी को हास्य और रोमांच के साथ प्रस्तुत किया गया है जो आपका मन मोह लेगा। वेस एंडरसन का निर्देशन और फिल्म की अनोखी स्टाइल इसे अद्वितीय बनाती है। यह फिल्म आपको एक दिलचस्प और मनोरंजक दुनिया में ले जाती है जो आपके मूड को फ्रेश कर देती है। तीसरी फिल्म है द इंटर्न। यह फिल्म 2015 में आई थी। द इंटर्न फिल्म में एक रिटायर्ड व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो फिर से काम करने का निर्णय लेता है। फिल्म में एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी युवा बॉस के बीच की दोस्ती को बहुत ही प्यारे और सुकून भरे तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म जीवन में नई शुरुआत करने और फिर से खोजने की प्रेरणा देती है। रॉबर्ट डी नीरो और एन हैथवे के शानदार अभिनय के कारण यह फिल्म बहुत ही रोचक बन जाता है। यह हल्की फुल्की दिल को छू लेने वाली और सकारात्मकता से भरी फिल्म है। चौथी फिल्म है लिटिल मिस सनशाइन। यह फिल्म 2006 में आई थी। यह फिल्म एक विचित्र लेकिन प्यारे परिवार की कहानी है जो अपनी बेटी के साथ एक लंबी यात्रा पर निकलता है। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी समस्याएं और संघर्ष हैं, लेकिन वे सब मिलकर इसका सामना करते हैं। यह फिल्म हंसी मजाक और भावनाओं का बेहतरीन मिश्रण है जो आपको एक बार में ही बांध लेगी। फिल्म का मुख्य संदेश है कि परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव और परिवार की अहमियत को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। पांचवी फिल्म है फाइंडिंग नीमो। यह फिल्म 2003 में आई थी। यह एक प्यारी एनिमेटेड फिल्म है जो एक मछली और उसके बेटे की खोज की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक पिता अपने खोए हुए बेटे को खोजने के लिए किस हद तक जा सकता है। यह फिल्म प्यार, साहस और परिवार के महत्व पर जोर देती है। फिल्म के किरदार और उनकी आवाज़ आपको हंसी और खुशी से भर देंगे। यह एक आदर्श पारिवारिक फिल्म है जिसे देखकर आपका मन हल्का और खुश हो जाएगा। छठी फिल्म है ला ला लैंड। यह फिल्म 2016 में आई थी। यह एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म है जो दो कलाकारों के सपनों और उनके प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म का संगीत, नृत्य और दृश्य शैली अत्यंत खूबसूरत हैं। यह आपको एक जादुई दुनिया में ले जाती हैं। फिल्म सपनों के पीछा करने और उनके लिए त्याग करने के महत्व को दर्शाती हैं। एमा स्टोन और रयान गॉसलिंग केमिस्ट्री ने फिल्म को और भी प्रभावशाली बना दिया है। यह फिल्म एक खूबसूरत अनुभव है जो आपको उत्साहित और प्रेरित करती है। सातवीं फिल्म है द प्रिंसेस ब्राइड। यह फिल्म 1987 में आई थी। यह फिल्म एक रोमांटिक फैंटेसी एडवेंचर है जो प्रेम, साहस और हंसी से भरपूर है। फिल्म की कहानी में राजकुमारी को बचाने के लिए एक साहसी युवक की यात्रा दिखाई गई है। फिल्म की संवाद और दृश्य शैली इसे क्लासिकल बना देते हैं। यह फिल्म एक परिकथा जैसी लगती है जिसमें हर उम्र के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है। उसकी हास्यप्रद और दिलचस्प कहानी आपको पूरी तरह से मनोरंजन करेगी। आठवीं फिल्म है फेरिस बुलर्स डे ऑफ। यह फिल्म 1986 में आई थी। यह फिल्म एक हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो एक दिन की छुट्टी लेकर मजेदार एडवेंचर्स पर निकलता है। फिल्म में फेरिस चतुराई और उसके दोस्तों के साथ की गई शरारतें दिखाई गई हैं। यह फिल्म एक हल्की फुल्की और मजेदार कहानी है जो युवा उत्साह और स्वतंत्रता को दर्शाती है। फिल्म में फेरिस की चतुराई और उसके दोस्तों के साथ की गई शरारतें दिखाई गई हैं। यह फिल्म एक हल्की फुल्की और मजेदार कहानी है जो युवा उत्साह और स्वतंत्रता को दर्शाती है। मैथ्यू बोडरिक का अभिनय और फिल्म की कॉमेडी इसे यादगार बना देती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसी से लोटपोट कर देगी और आपको मूड को तुरंत कर देगी। नौवीं फिल्म है ओशंस 11। यह फिल्म 2001 में आई थी। यह फिल्म एक स्टाइलर है जिसमें 11 कुशल अपराधी एक बड़े कैसीनो को लूटने की योजना बनाते हैं। फिल्म की योजना, चालाकी और उसे अंजाम देने का तरीका बेहद मनोरंजक है। इसमें जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट और मैट डेमन जैसे बड़े सितारों ने शानदार अभिनय किया है। फिल्म की चालाकी, सस्पेंस और मजेदार संवाद इसे देखने लायक बनाते हैं। यह एक स्टाइलिश, तेज और मनोरंजक फिल्म है जो आपको पूरी तरह से बांधे रख सकती है। दसवीं फिल्म है द स्ट्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी। यह फिल्म 2013 में आई थी। यह फिल्म एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जो अपनी नीरस जीवन शैली से निकलकर असाधारण एडवेंचर पर जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वाल्टर अपनी भावनाओं को जीता है और खुद को खोजता है। यह फिल्म बहुत ही प्रेरणादायक है जो जीवन में जोखिम लेने और सपनों का पीछा करने की सीख देती है। बेन स्टिलर का अभिनय और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बेहद आकर्षक है। यह फिल्म आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी और आपके मन को ताजगी से भर देगी।
ये सभी फिल्में आपके मूड को फ्रेश करने और आपको पॉजिटिव एनर्जी देने में मदद कर सकती हैं।